देश भर में बकरीद का त्यौहार धार्मिक आस्था और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। हालांकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस का संक्रमण पर्व त्यौहार पर साफ देखा जा सकता है और इस बार भी कोरोना संक्रमण का ही असर है कि इबादत गाहों में, मस्जिदों में बकरीद की नमाज यानी ईद उल अजहा की नमाज सामूहिक रूप से अदा नहीं की गई है और साथ ही साथ सरकार के द्वारा भी यह निर्देश दिया गया था, स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया था, जिला प्रशासन के द्वारा गाइडलाइंस जारी किया गया था कि लोग मस्जिदों में, ईदगाहों में बकरीद की नमाज ना पढ़े। अगर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो कोई जो भी त्यौहार, पर्व त्यौहार मनाया जाता है वह कोई ना कोई संदेश लेकर आता है और बकरीद का त्यौहार भी त्याग, बलिदान और समर्पण का संदेश देता है। इस्लामिक मान्यता की बात करें तो इस्लामिक मान्यता के अनुसार हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम ने अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहि सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने का फैसला लिया था, जिसके बाद अल्लाह, ऐसी मान्यता है कि अल्लाह ने हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के बेटे की जगह जन्नत से एक दुम्बा भेज दिया और वह वहाँ पर कुर्बान हो गया और तब से यह बकरीद का जो त्यौहार है वो मनाया जाने लगा और लोग अल्लाह की रजामंदी के लिए, ईश्वर की रजामंदी के लिए लोग तब से जानवरों की कुर्बानी देने लगे। अगर बात करें कोरोना संक्रमण की तो कोरोना संक्रमण के कारण जो असर पड़ा है इस बार पर्व त्यौहार पर, पिछले आज से 2 माह पहले ईद का जो त्यौहार मनाया गया उसमें भी कोरोना संक्रमण का प्रभाव देखा गया और आज जो बकरीद का त्यौहार देश भर में मनाया जा रहा है उसमें भी कोरोना, कहीं ना कहीं कोरोना का असर है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए अपने घरों में नमाज अदा करते हुए बकरीद का त्यौहार मना रहे हैं। और सरकार की अगर बात करें तो सरकार के द्वारा भी स्पष्ट दिशा निर्देश दिया गया था कि सामूहिक रूप से नमाज नहीं होगी और इसके साथ ही उलेमाओं ने शहर के, अगर भागलपुर की ही बात करें तो भागलपुर में खानकाह शहबाजिया के सज्जादा नशी सैयद शाह मोहम्मद इंतखाब आलम शहबाजी ने शुक्रवार की देर शाम एक लेटर जारी किया जिसमें कहा गया कि इस बार खानकाह शहबाजिया में COVID-19 के संक्रमण को देखते हुए सामूहिक तौर पर नमाज अदा नहीं की जाएगी। वहीं अगर शाह मार्केट की बात करें तो खानकाह पीरदमड़िया के सज्जादा नशी सैयद शाह हसन मानी ने भी ऐलान कर दिया था कि लोग, कुछ ही लोग मस्जिद में, जो सरकारी गाइडलाइंस है उसके अनुसार 2-4-5 लोग ही लोग मस्जिद में नमाज अदा करेंगे। और इस तरह से पूरे भागलपुर में अगर बात करें तो कहीं भी सामूहिक तौर पर नमाज अदा नहीं की गई है। कर्णगढ़ ईदगाह, भागलपुर नाथनगर का कर्णगढ़ ईदगाह हो या बरहपुरा ईदगाह या शाहजंगी ईदगाह या जिले भर की जितनी भी मस्जिदें हैं, इबादत गाहें हैं, वहाँ बकरीद की नमाज अदा नहीं की गई है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो प्रशासन की, तो जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन बकरीद के त्यौहार को लेकर काफ़ी मुस्तैद और चुस्त दुरुस्त दिख रहा है। शुक्रवार की ही शाम वरीय पुलिस अधीक्षक आशीष भारती के निर्देश पर सिटी SP SK सरोज और सिटी DSP राजभवन सिंह समेत कई थानों की पुलिस ने शहर के विभिन्न मोहल्लों में, विभिन्न चौक चौराहों पर संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थानों पर फ्लैग मार्च किया और यह संदेश दिया कि इस त्यौहार को आपसी भाईचारे के साथ मनाएं, सौहार्द के साथ मनाएं। और एक SSP आशीष भारती ने एक वीडियो जारी किया जिसमें यह कहा गया कि जो लोग सोशल मीडिया पर कुर्बानी के जानवर का अगर वीडियो अगर वायरल करते हैं या पोस्ट करते हैं तो उसके ऊपर सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ पुलिस प्रशासन के द्वारा, जिला प्रशासन के द्वारा लोगों से अपील की गई है कि सोशल मीडिया पर आप आपत्तिजनक वीडियो ना डालें, जो अगर ऐसा करते हुए कोई भी अगर पकड़ा जाएगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं अगर उलेमाओं की बात करें तो उलेमाओं ने भी यह अपील की है लोगों से कि आप बकरीद का त्यौहार आए लेकिन दूसरे की आस्था का भी ख्याल रखें, दूसरे धर्म के जो लोग होते हैं उसकी भी आस्था का ख्याल रखें और पूरे आस्था के साथ यह त्यौहार मनाएं। और दरअसल यह त्यौहार जो है तो यह बकरीद यानी ईद उल अजहा का जो त्यौहार है यह एक संदेश देता है कि हम गरीब गुरुओं की सेवा करें, जो लोग समाज में वंचित हैं उनकी हम सेवा करें। और यह त्यौहार सिर्फ दिखावा का त्यौहार नहीं है बल्कि यह लोगों की सेवा और मानवता का त्यौहार है। तो कुल
मिलाकर अगर भागलपुर की बात करें तो भागलपुर में अब तक का जो माहौल है वो शांतिपूर्ण माहौल है और शांतिपूर्ण तरीके से लोग आस्था और अकीदत के साथ बकरीद का त्यौहार मना रहे। साथ ही साथ इस त्यौहार में एक बात यह भी खास हुई है, इस बार यानी कि इस्लाम धर्म में, इस्लाम धर्म का जो इतिहास है उसमें यह बात खास है कि आज 1500 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है जब लोगों ने सामूहिक रूप से बकरीद और ईद की नमाज़ अदा नहीं की है और उसके बाद जो है तो जानवरों की कुर्बानी दे रहे हैं और लोग एक दूसरे से, इस बार ईद के मौके पर, बकरीद के मौके पर ऐसा होता था कि लोग एक दूसरे के घर जाते थे, बधाई देते थे, गले मिलते थे, लेकिन इस बार बकरीद के मौके पर लोग एक दूसरे से मिलने से मिल रहे हैं लेकिन दूरी के साथ मिल रहे हैं, मास्क पहन करके मिल रहे हैं, हैंड ग्लव्स पहन करके मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं दूरी बनाए हुए लोग और गले भी नहीं मिले। हालांकि बधाई का दौर जारी है, लोग शुभकामनाएं दे रहे हैं, सोशल साइट्स की अगर बात करें तो सोशल साइट्स पर शुभकामनाओं का दौर, बधाई देने का दौर जारी है और लोग घरों से ही बैठकर मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप के जरिए मैसेज कर रहे हैं, मैसेंजर के जरिए मैसेज कर रहे हैं और कई सोशल साइट्स का उपयोग करके लोग एक दूसरे को बकरीद की बधाई दे रहे हैं। सिल्क टीवी भी आप सभी लोगों से यह अपील करती है कि जो सरकारी दिशा निर्देश जारी किया गया है और अनलॉक 3 की जो गाइडलाइंस जारी की गई है उसका आप अनुपालन करें और जो सोशल मीडिया है उस पर आपत्तिजनक वीडियो ना डालें और साथ ही साथ सिल्क टीवी परिवार एक बार आप सभी दर्शकों को, विशेषकर मुस्लिम समुदाय के लोगों को बकरीद पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं देती है और हम उम्मीद करते हैं कि आप घर में रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। अपने सहयोगी कैमरा पर्सन सुमित के साथ सैयद इनामुद्दीन, सिल्क टीवी भागलपुर। बकरीद तो बहुत ही शांतिपूर्वक और कहिए कि बहुत ही मुख्तसर तौर पे लोग बकरीद मना रहे हैं, लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं और ज़िंदगी में हमको लगता है कि इतिहास में, तारीख में ये पहली बार है जो गहमा गहमी नहीं है। मस्जिद भरी रहती थी लेकिन यहाँ मस्जिद बिल्कुल खाली पड़ी है। बकरीद की नमाज जमात से नहीं हुई है, सिर्फ 4 आदमी 3 आदमी नमाज अदा किए हैं, जैसे 5 वक्त की नमाज होती है। लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा किए हैं और ये महीना बहुत पवित्र महीना है, हज का महीना है, मुबारक महीना है, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद दिलाती है, भाईचारगी का महीना है और ये मोहब्बत और खुलूस का संदेश देता है, आपसी भाईचारा और कहिए इख्वत मुसावात का ये दर्स देता है। सारे हम पूरे हिंदुस्तान के बाशिंदगान ने बहुत ही पुरसकून अंदाज में ईद उज़ुहा। सबसे पहले भागलपुर पुलिस की ओर से शुभकामना है, भागलपुर के आम निवासियों को बकरीद की शुभकामना है, शांतिपूर्ण संपन्न बकरीद पर्व हो, इसे सारी व्यवस्था लोगों ने किया है। महत्वपूर्ण चौक चौराहों पे पूरा मजिस्ट्रेट, पुलिस बल, पदाधिकारी आप सब देख रहे हैं ना, प्रतिनियुक्त है, गश्ती पार्टी घूम रही है, बाइक पर गश्ती कर रहा है। उसके बाद हम लोग सिविल में भी हम लोग सिपाही को तैनात किए हैं जो मोटरसाइकिल पर सिविल गाड़ी में गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा है, नज़र रख रहा है और हम लोग साइबर सेल भी एक्टिव है, वो भी अपना वो प्रत्येक जो ग्रुप को देख रहा है, वाच कर रहा है, यदि कोई इस तरह से कुछ मैसेज देता है तो सत्यापन हम लोग करते हैं और उसमें कार्रवाई भी करते हैं।